वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको किसी भी बीम के केस में एसएफडी और बीएमडी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताऊंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ 20 मीटर है, जिसने लोड कैरी कर रखा है 50 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन एट डिस्टेंस 5, 15 एंड 20 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड से ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। कैंटिलीवर बीम एक साइड से फिक्स होता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर है। क्या कह रहा है कि फिक्स्ड एंड से उसने लोड ले रखा है 50 किलो न्यूटन। तो फिक्स्ड एंड से 50 किलो न्यूटन कितने डिस्टेंस पर है 5 मीटर पे। तो यहां से डिस्टेंस 5 मीटर मैंने एक पॉइंट मान लिया, ये मान लिया मेरा पॉइंट ए है। यहां से इसने लोड दिया 50 किलो न्यूटन का और ये डिस्टेंस हो गया 5। फिर कह रहा है उसके बाद 20 किलो न्यूटन का उसने लोड लिया कितने डिस्टेंस पर 15। तो टोटल डिस्टेंस आपका 20 मीटर है तो ये 15 कैसे हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा कि ये डिस्टेंस 15 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया 10। उसके बाद कितना लोड ले रहा है वो 30 किलो न्यूटन। कितने डिस्टेंस पर जब आप 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 5 मीटर। 20 में से 15 माइनस कीजिए 5 आ जाएगा। तो टोटल लेंथ देखिए आप 5 5 10 10 20 मीटर की ये होगी। इस तरह से ये डायग्राम हो गया। अब सबसे पहले एसएफडी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। शेयर फोर्स जिस भी पॉइंट पर निकालना है, सबसे पहले ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। अगर एसएफडी मुझे डी पॉइंट पर निकालना है तो मुझे डी पॉइंट पर दो एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी होगी। सी पॉइंट पर निकालना है तो सी पॉइंट के लिए दो एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी होगी। बी पे निकालना है तो बी के लिए दो एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी होगी। एक्सिस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मुझे डी पर निकालना है तो एक्सिस लाइन मैं एक बार डी के राइट साइड में और एक बार डी के लेफ्ट साइड में ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मुझे डी पर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डी के अक्रॉस मैं एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दिया, एक बार लेफ्ट में कर दिया। हमेशा कैंटिलीवर के केस में हमेशा राइट साइड को लेकर चलना है। जैसे मैंने ये एक्सिस लाइन ड्रॉ करा, अब मुझे इसके राइट साइड में देखना है कि कोई फोर्स लग रहा है, मतलब राइट साइड में शेयर फोर्स निकालते हुए जाना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एस एफ एट डी, ये दो एक्सिस लाइन ड्रॉ कर लिया, एक बार उसके राइट एक बार उसके लेफ्ट, और हमेशा एक्सिस लाइन के राइट साइड में देखना है कि कोई फोर्स लग रहा है और वहां हमें एसएफडी कैलकुलेट करना है। तो मैंने ये कौन से साइड में लिया, राइट साइड में, तो मैं इसे लिख दूंगा राइट हैंड साइड एसएफ शेयर फोर्स एट डी। अब आप देख रहे हैं इसके साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा, राइट साइड में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। फिर एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, डी के लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करी है, वहां पे शेयर फोर्स एट डी सेम रहेगा। अब आप देख रहे हैं ये आपने एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी उसके लेफ्ट में, अब एक्सिस लाइन के राइट में देखिए कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, कौन सा 30 किलो न्यूटन का। अब उससे पहले शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन देखिए, साइन कन्वेंशन ये एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन के लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा, एक्सिस लाइन के राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा। एक्सिस लाइन के राइट लेफ्ट साइड हमारा जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा, एक्सिस लाइन के राइट साइड अपवर्ड फोर्स नेगेटिव होगा। ये देखिए ये एक्सिस लाइन है,
एक्सिस लाइन के राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स क्या है, पॉजिटिव। तो LHS SFD कितना निकल गया, 30 किलो न्यूटन। अब एक चीज मैं आप बोलेंगे हम दो SF क्यों निकाल रहे हैं, दो SF इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब आप SFD बनाएंगे शेयर फोर्स डायग्राम तो आपको इन दोनों SFD का काम पड़ेगा। कैसे वो अभी आपको जब मैं SFD बना रहा हूँ डायग्राम तब आप दिखाऊंगा। तो ये SFD आपको पता चल गया। अब सिमिलरली मुझे सी पर निकालना है, तो सी के राइट साइड में एक एक्सिस लाइन तो ड्रॉ है ही, अब मैं उसके लेफ्ट साइड एक एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा SF एट सी। अब एक्सिस लाइन कहां है ब्रो, है उसके राइट साइड, देखना किधर है, राइट साइड। तो RHS SF एट सी उसके राइट साइड में देखिए सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। सी के राइट साइड मैंने एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करी, उस एक्सिस लाइन के राइट साइड मैंने देखा कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, एक 30 किलो न्यूटन का एक्सिस लाइन के राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स 30 किलो न्यूटन। तो कितना आ गया, 30 किलो न्यूटन। हमेशा जब भी आपका जो आपका LHS आएगा कैलकुलेट, जैसे ही आप पहला निकाल लेंगे उसके बाद किसी भी पॉइंट में जो उसका LHS निकलेगा यह उसका RHS होता जाएगा। यहां जब आप LHS SF एट सी निकालेंगे, यहां आपने उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करी लेकिन आपको देखना किधर है, राइट साइड में। राइट साइड में दो फोर्स लग रहे हैं, कौन सा, एक तो 20 का और एक 30 का। तो टोटल कितना हो गया, 50 किलो न्यूटन। सिमिलरली SF एट बी एक एक्सिस लाइन उसके लेफ्ट राइट साइड तो ड्रॉ है, एक लेफ्ट साइड ड्रॉ कर दी, ड्रॉ हो गया। अब राइट हैंड साइड शेयर फोर्स एट बी कितना निकलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो इसका मतलब इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था जहां हमने LHS उसका LHS जो निकाला लेफ्ट हैंड साइड फोर्स वो इसका क्या होता जाएगा, RHS। तो सिमिलरली कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन। कैसे, क्योंकि हमने यहां ड्रॉ करा एक्सिस लाइन जब ड्रॉ करा उसके राइट हैंड साइड देखा कितनी फोर्स लग रही है, दो ही फोर्स लग रही है, 30 किलो न्यूटन और 20 किलो न्यूटन। जब दोनों को ऐड करा तो 50 किलो न्यूटन आया। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, इसके LHS देखूंगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, बी के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सिस लाइन ड्रॉ करी लेकिन मुझे फोर्स किधर देखना है, उसके राइट साइड में। तो SF एट बी दोबारा से, अब उसके राइट साइड में, ये तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सिस लाइन है और उसके राइट साइड में देखना है तीन फोर्स लग रही है, कौन सी, 50 प्लस 20 प्लस 30 टोटल कितना हो गया, 100 किलो न्यूटन। अब ए पे निकालना है, तो जैसी कैंटिलीवर के केस में जैसे आपका ये दीवाल है, दीवाल के इस साइड तो आप एक्सिस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसके राइट साइड ड्रॉ करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया SF एट ए कितना निकलेगा, जो इसका LHS है, जैसे मैंने इसके राइट हैंड साइड एक्सिस लाइन ड्रॉ करी तो राइट हैंड साइड मैंने डाल लिया RHS SF एट ए, तो वो कितना निकलेगा, आप एक्सिस लाइन तो ड्रॉ कर दिए उसके राइट हैंड साइड में और राइट साइड में ही उसके फोर्स देखने, तो टोटल फोर्स उसके भी तीन ही लग रहे हैं, 50, 20 और 30, 100 किलो न्यूटन, इतना ही तो लग रहा है। क्यों, अभी मैंने आपको बताया जो इसका LHS होगा वो उसका नेक्स्ट पॉइंट वाला RHS हो जाएगा। यहां आपने दो SFD निकाले हैं, शेयर फोर्स 0, 30, 30, 50, 50, 100 और 100। तो देखिए ये तो जीरो अलग हो गया, ये 30 इधर 30, अगर इसका 50 आया है तो इसका RHS 50 आया होगा, अब इसका LHS 100 आया है तो इसका RHS 100 आएगा। तो जो इसका LHS आएगा वो दूसरे पॉइंट का RHS आएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट का LHS आएगा वो दूसरे पॉइंट का RHS आएगा। तो ये तो ट्रिक्स हो गया। अब दो हमने दो दो शेयर फोर्स निकाले, इसका काम क्या है, तो सबसे पहले हमने SF डायग्राम बनाना है, तो उस डायग्राम को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वर्बली पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे। वो पॉइंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखिए,
मेनली एक्सिस लाइन का कोई पॉइंट्स नहीं बनाना, अब सबसे पहले डी पे हमारा सबसे पहले मैं यहां पे रफ साइड लिख देता हूं, डी पे एसएफ जो था वो जीरो निकला था और 30 निकला था, फिर एसएफ एट ये डी था, ये सी पे कितना निकला था 30 50, एसएफ एट बी कितना निकला था 50 और 100, और एसएफ एट ए कितना निकला था 100। तो सबसे पहले यहां क्या है, जीरो, जीरो से हमारा कितना निकला 30, ये पॉइंट मान लिया हमने 30, फिर सी पे कितना निकला 30, तो ये क्या गया कांस्टेंट, क्योंकि 30 यहां पे भी 30 होगी, अब कितना गया 50, इतना तो 30 है ही, इतना 30 है ही, अब 30 में 20 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 50, तो मान लिया यहां हमारे पास कितना आएगा 50, तो ये हो गया हमारे पास इस तरीके से ये गया, अब 50 सिमिलरली यहां पे भी कितना गया 50, अब 50 ऊपर जाएगा तो 100 आएगा, तो 50 में ऊपर ले गया, ये हो गया 100, सिमिलरली एसएफ एट ए कितना निकला 100, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। अब देखिए दो शेयर फोर्स निकालने का क्या फायदा हुआ, हमें क्या पता चल गया, कांस्टेंट का पता चल गया, ये देखिए 30 50 100, क्यों इधर 30 आया तो वर्बली कांस्टेंट लाइन जाएगी, फिर 50 आया तो 50 का कांस्टेंट लाइन गया, फिर 100 आया तो 100 का कांस्टेंट, तो इससे हमें पता चल गया कि दो पॉइंट के बीच में जो कांस्टेंट लाइन है वो कैसे जाएगी। ये फायदा होता है एसएफडी निकालने का, शेयर फोर्स निकालने का दो, और डायग्राम में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। तो ये हमने कैसे सीखा कि शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कैसे निकाला जाता है। देखिए मेनली बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें कोई भी एक्सिस लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डी पॉइंट पर अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो डी पे ही एक्सिस लाइन ड्रॉ होगी, सी पे निकालना है तो सी ही एक्सिस लाइन है, बी पे निकालना है तो बी ही एक्सिस लाइन है, ए पे निकालना है तो ए ही एक्सिस लाइन है, मतलब उसी पॉइंट पर एक्सिस लाइन ड्रॉ होगी। सबसे पहले मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और इनटू में फोर्स होता है, ये होता है हमारा मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट डी कितना होगा, ऑलवेज जीरो, हमेशा कैंटिलीवर के केस में फ्री साइड के, फ्री साइड जो होती है जहां पे हमारा सिर्फ फोर्स एक लग रहा है या नहीं भी लग रहा हो कोई केस होता है, वहां हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी, मुझे सी पे निकालना है तो सी पे सी ही क्या है हमारे पास एक्सिस लाइन है, अब सी पे एक्सिस लाइन है, सी के राइट हैंड साइड में देखना है, किधर देखना है राइट हैंड साइड में, सी के राइट हैंड साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का, कितने डिस्टेंस है इनके बीच में 5 मीटर का, उससे पहले जैसे हमने एसएफडी के केस में साइन कन्वेंशन देखा था, बीएमडी के केस में भी साइन कन्वेंशन होगा, मतलब एक्सिस लाइन जैसे मुझे सी पे निकालना है तो सी के राइट साइड में अगर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूं तो उसके एक्सिस लाइन में अगर कोई फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, और राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, अगर एक्सिस लाइन के राइट साइड में क्लॉकवाइज है तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे सी के केस में देखते हैं जो ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये हमारा सी पे एक्सिस लाइन बन गया, अब ये इस तरीके ये एक्सिस लाइन के राइट साइड में डी इस तरीके से लग रहा है, यानी
क्लॉकवाइज लग रहा है राइट साइड, क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस 30 इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5, तो कितना आ गया माइनस 150 किलो न्यूटन मीटर। यह आपका बीएम एट सी निकल गया। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट डी, बी निकालना है, क्या हो जाएगा हमारे पास बी पे एक्सिस लाइन बनेगी, राइट साइड में देखना होता है, तो राइट साइड में एक एक दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 30 किलो न्यूटन का तुम राइट साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव माइनस 30, डिस्टेंस कितना है बी से डी का 5 और 10 15, तो 15। सिमिलरली 20 किलो न्यूटन भी माइनस 20 हो जाएगा गुना में, हमारे पास सी कितने डिस्टेंस पर है बी से 10 के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 3 45 और 200, तो टोटल कितना आ गया माइनस 650 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना निकलेगा माइनस 30 इंटू ए से बी का डी का डिस्टेंस कितना है 20, माइनस 20 इंटू बी सी से ए का डिस्टेंस कितना है 15, माइनस 50 इंटू में डिस्टेंस कितना है ए से बी का 5, तो कितना आ गया आपके पास 600 माइनस 300 माइनस 200, अब आ गया आपके पास टोटल 6 3 9 9 2 11 माइनस 11 1115, तो ये आ गया आपके पास बेंडिंग मोमेंट एट ए किलो न्यूटन। अब आपको क्या बनाना है एसएफ बीएमडी डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी 0, बेंडिंग मोमेंट एट सी आया आपके पास माइनस 150, बी पे आया आपके पास माइनस 650 और बेंडिंग मोमेंट एट ए आया आपके पास 1150। तो अब आप बीएमडी डायग्राम बनाइए, ध्यान रखिएगा सारे आपके नेगेटिव में आए हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, आपके सारे बेंडिंग मोमेंट क्या है नेगेटिव आए, तो एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट डे 0 आया, तो 0 यही पे होता है, सी पे कितना आया था माइनस 150, मान लेता हूं मेरा यहां माइनस 150 है, तो माइनस तो सो कर माइनस तो सिमिलरली पता ही चल जाता है एक्सिस लाइन के नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, तो 150 किलो न्यूटन मीटर। अब 150 से सीधा कितना आया था 650 किलो न्यूटन मीटर, बी पे कितना था 650 और ए पे कितना आया था 1150। ये इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो हमने देखा कि कैसे कैंटिलीवर के केस में एसएफडी और बीएमडी कैलकुलेट करा। नेक्स्ट आपका जो भी बीम होगा एसएफडी और बीएमडी निकालने का तरीका इसी तरीके से होगा, चाहे कैंटिलीवर के केस में आपको यूडीएल हो वीडीएल हो चाहे कोई सा भी केस हो, आप एसएफडी और बीएमडी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मैं कौन से बीम के केस में आपको कौन सा क्वेश्चन करके दे सकता हूं। थैंक यू।